दोस्तों एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करें भाई जो बॉडी बिल्डिंग में नाम चला है नपुंसकता हो जाएगी भाई, इंजेक्शन लगाते हैं बड़े बड़े बॉडी बिल्डरों को बच्चे नहीं होते, तो इस पर बार बार कई बार आवाज उछलती रहे। पीछे भी एक बार अभी बहुत ज्यादा माहौल गर्म हो गया था जब हम दिल्ली प्रो शो में मैंने कवर कराया, उस टाइम भी आवाज उठ रही थी। तो कई मेन कोई बड़ा बॉडी बिल्डर तो सामने आकर नहीं बोला, लेकिन आज इस टॉपिक पर हम कई सारी बात करेंगे। एक हम इस टॉपिक पर आज ये बात करेंगे भाई, जो नया लड़का है कई बार दिमाग सोचा है कि यार मैं साइकिल ले लूं, तो साइकिल के दुख सुख क्या है, क्या क्या अपनी दिक्कत आ सके, एक सिंपल तरीके में बताने की आज कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात है भाई, बॉडी बिल्डिंग लाइन में जो भी स्टेरॉइड साइकिल यूज हुए हैं, तो मैंने एक बार और वीडियो बनाई थी, कई वीडियो में बताया भी है, तो कम से कम 4-5 साल नेचुरल आप ट्रेनिंग करो, सारे सप्लीमेंट यूज करो, आपसी लाजीत असफगंधा गोक्सुरा इस तरह के नेचुरल अपनी स्ट्रेंथ पावर बढ़ाने के लिए, अपना टेस्टोन लेवल हाई करने के लिए जो कुछ आप यूज कर सको नेचुरल करो। 4-5 साल जब आप पूरा पोटेंशियल अपनी बॉडी का बाहर निकाल लेंगे कि आपकी बॉडी स्टेक हो गई है, अब रुक गई है, और उसके बाद अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है तो तब ये रास्ता आदमी चुनता कि अब मुझे बॉडी बिल्डिंग में जाना है तो मैं स्टेरॉइड यूज करूंगा, एचजीएच यूज करूंगा, आईजीएफ यूज करूंगा, तो ये रास्ता इस तरीके से तैयार होता है। कुछ रास्ते पे स्टार्टिंग में बच्चे भटक जाए भाई, कुछ ट्रेनर होते हैं घटिया किस्म के जो बच्चों को गोलियां दे देते हैं पत्ते से निकाल के, डायनाबोल एनाबोल बहुत सारे टाइप की गोलियां आती हैं, तो उनको 2,000-2,500 की 1,500 की चिपका देते हैं, 100-200-300 रुपए की वो टेबलेट होती है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी शिकार हो जाते हैं। इंजेक्शन में जल्दी से बच्चा शिकार नहीं हो सकता, क्योंकि भाई जब आप एक बुखार का इंजेक्शन भी लगवाने जाओ तो आपको पेन होता है कहीं ना कहीं, और एक साइकिल जब चलती है तो डेली इंजेक्शन लगते हैं, तो इतना ज्यादा पेन हर कोई सहन नहीं कर सकता। प्लस ये जो स्टेरॉइड साइकिल जो चलती है भाई, इसको कोई डॉक्टर तो नहीं लगाएगा आपको इंजेक्शन, तो हर और जो ट्रेनर आपको सजेस्ट भी कर रहा था, हर किसी ट्रेनर को ये इंजेक्शन भी नहीं लगाने आते। इस इंजेक्शन को लगाने का बहुत ही सटीक एक तरीका है, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा पेन भी होगा, गांठ भी और भी बड़े लेवल पे हो सकती है। थोड़ा सा जिसका हाथ अच्छा है, जो सालों से लगा रहा है, तो उसका थोड़ा हाथ होता है कि वो आराम से आपको इंजेक्शन ये इंजेक्ट कर देगा, तो ये ट्रेनर भी इंजेक्ट करते हैं, एक दूसरे को भी इंजेक्ट करते हैं, तो इस तरीके का तरीका है। बहुत सारे डॉक्टर जो आपके गली मोहल्ले में क्लिनिक है, तो उस डॉक्टर का भी स्टेरॉइड के इंजेक्शन पर डे लगाने का इतना तगड़ा हिसाब किताब नहीं होता कि वो आपको सही तरीके से लगा दे। किसी दिन आपको सही लगा, किसी दिन आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, अभी जब कोविड की बीमारी आई तो हर किसी के शोल्डर पे इंजेक्शन लगे थे, जो पहला इंजेक्शन लगा था, पहली डोज लगी थी, तो उसमें कई भाइयों को दो दो तीन तीन था, तो वो स्टेरॉइड ही था भाई उसमें। तो इसी प्रकार जब आप प्रॉपर एक स्टेरॉइड यूज करते हो डायरेक्ट डेली, तो आपको पिछवाड़े में बहुत बड़ी बड़ी गांठ होंगी। उनका सोल्यूशन तो वैसे बता भी देता हूं, डायरेक्ट आप बर्फ के साथ उसको मसाज करें, एक टॉवल में बर्फ पकड़े उससे मसाज करें, तो वो हिल हो जाएंगी, वह गांठें कम हो जाएंगी, तो यही चलता रहता है भाई। किसी किसी बंदे का खून ऐसा होता है या बॉडी का टाइप ऐसा लगा लो कि उसको गांठें नहीं होती, जैसे आपको कोविड के इंजेक्शन भी लगे होंगे, तो किसी किसी को उस इंजेक्शन का इतना ज्यादा असर नहीं होया होगा, उसका शोल्डर प्रॉपर काम किया होगा, तो वो अलग अलग एक बॉडी का टाइप होता है। किसी की बॉडी 10 दिन भी इंजेक्शन नहीं झेल पाती, कोई कोई 90 दिन की साइकिल भी चला जाता है, 100 दिन भी चला लेता है, तो उसको इतनी तकलीफ गांठ वाली नहीं होती। बाकी स्टेरॉइड के दुनिया भर के आपने हमेशा यूट्यूब पे ये देखे होंगे नेगेटिव, सिर्फ आपने नुकसान ज्यादा देखे होंगे। कोई भी बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड को प्रमोट करता तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ना तो ये सस्ती चीज है, और इसमें अगर आप डुप्लीकेट यूज करोगे तो उल्टा आपको बीमारियां होंगी। तो ये बहुत ही स्टिक जगह से एक अच्छे ट्रेनर अच्छी है जो गुरु है, जिनका काम ही बॉडी बिल्डिंग में बॉडी बिल्डर तैयार करना है, तो ये सारी चीजें इलीगल है, वहीं से मिलती हैं, वहीं से किसी अच्छे बंदे पे आपने इंजेक्ट कराने पड़ेंगे। तो ये तो एक फर्स्ट वो स्टेप हो गया कि च्वाइस करना, लगवाना, किसको लेने किसको नहीं लेने, 4-5 साल बाद बॉडी बिल्डिंग में जाना तो आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे नपुंसकता के ऊपर। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, जब भी किसी इंसान की पहली साइकिल चलेगी तो पहले 15 दिन में तो आपका टेस्टोन लेवल जो खुद का नेचुरल है प्लस में ये सिंथेटिक टेस्टोन लेवल है, ये दोनों मिल गए, बहुत ऊपर आपकी बॉडी को एकदम पीक भी मारेंगे और आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब साइकिल अपने पीक पर जाएगी, यानी साइकिल चलते चलते 2 महीने से ऊपर चलने लग जाएगी, जब आपका नेचुरल टेस्टोन लेवल बिल्कुल खत्म होता आ जाएगा धीरे धीरे, और ये सिंथेटिक टेस्टोन जो लेवल है ये पूरी आपकी बॉडी पे असर कर देगा, इसका पूरा असर आ जाएगा। उस टाइम जब काफी हाई लेवल में बाहर से आपको टेस्टोन लेवल बढ़ता चला जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, तो आपकी बॉडी काफी हार्ड हो जाएगी, कटिंग आ जाएगी,
खासकर कटिंग वाली साइकिल में, गेनिंग वाली साइकिल में कार्ब लोडिंग भी चलती रहती है तो उसमें थोड़ी सी बॉडी सॉफ्ट रहती है। बात हम कर रहे हैं कटिंग साइकिल की। मैक्सिमम लोग ये एप्स के चक्कर में ही साइकिलें चालू करते हैं। तो पहली साइकिल में पहले 15-20 दिन आप पीक पर जाओगे, उल्टा घटोगे नहीं, घटोगे आप दो महीने के बाद जब साइकिल अपने पीक पर जाएगी, उसके बाद आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाएगा और सिंथेटिक अपना बॉडी पर पूरा असर कर देगा। उसके बाद आपको 80 से 90 दिन के अंदर कटिंग की साइकिल में काफी अच्छे अपने जो रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएंगे। उस टाइम ऑलमोस्ट आपका काफी डाउन चला जाएगा, बहुत ही किसी किसी का तो बिल्कुल माइनस में भी चला जाएगा भाई टेस्टोस्टेरोन लेवल। कई भाई ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा किस हिसाब से अगर किसी को फर्स्ट साइकिल भी लेनी तो डोज किस तरीके से लेनी चाहिए, थोड़ा सा आइडिया दूंगा ताकि अगर किसी को बॉडी बिल्डिंग में पैर रखना तो बिड़ते ऐसे नहीं करना, 1 ml/dl नहीं छोड़ना भाई, मैं उसके बारे में बता दूंगा। तो इस तरीके से भाई पहली साइकिल चल गई, फिर पहली साइकिल चलने के बाद बंदा जाता है गेम करने। फिर कई भाई आपने देखे होंगे कि लगातार गेम करते रहते हैं, एक गेम कराया 20 दिन बाद फिर गेम कराया, तो फिर दो महीने बाद फिर गेम कराया। कोई कोई आदमी भाई अभी जैसे आपने देखा होगा कि भुवन चौहान भी लगातार अभी भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में बताता है कि मैं पिछले बहुत टाइम से गेम कर रहा हूं लगातार। तो उससे क्या हो रहा है कि बॉडी कंटिन्यू आपकी स्टेरॉइड पे चलती जा रही है, आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनने का शरीर को आप मौका नहीं दे रहे, आप गेम करे जा रहे हैं और गेम करोगे तो आपको स्टेरॉइड पे रहना पड़ेगा, आपको कटिंग पे रहना पड़ेगा, प्रॉपर आपको उसी हार्डनेस में जाना पड़ेगा, तब जाकर आप गेम जीत पाओगे। तो कई भाई ऐसा करते हैं जैसे कि अपना इंटरनेशनल जो बॉडी बिल्डर है ना वो खुल के बातें करते हैं, जैसे लैरी विल्स ने बताया वो 9-10 साल से लगातार स्टेरॉइड साइकिल पे था, तो उसने नेचुरल अपना बनने नहीं दिया, उसने भी ट्राई भी किया, उल्टा मसल मास गिर गया और उसका नेचुरल पुट ऑन भी नहीं हुआ, उसने शायद दोबारा भी साइकिल भी चालू कर दी। तो इसी तरीके से कुछ बॉडी बिल्डर अपने इंडिया में जो है, बॉडी बिल्डर बोल तो नहीं पाते लेकिन मान लो कोई बॉडी बिल्डर इसी लालच में पड़ गया कि उसको चस्का लग गया कि लगातार साइकिल। अब आप लगातार 2-2, 3-3, 4-4 साल तक अगर साइकिल पर रहोगे, गेनिंग की साइकिल चला दी फिर कटिंग की साइकिल चला दी, आप बॉडी में सिंथेटिक टेस्टोन डाले जा रहे हो, बॉडी आपकी साइज बढ़ता जा रहा है, मस्कुलर बढ़ती जा रही है, होता जा रहा है, लेकिन वो उस टाइम आपको वो खुशियां दे रहा है वो स्टेरॉइड, आपका साइज बढ़ रहा है, आप पब्लिक ही बहुत अच्छे लग रहे हो। और एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो हमारी सोसाइटी होती है ना, जैसे आपने मान लिया 1 या 2 साइकिल यूज करी आपकी बॉडी काफी हार्ड होगी, मसल मिच्योर हो गया, ऐसे कटिंग वाली एकदम वैसी बॉडी होगी, जब आप साइकिल खत्म करोगे सॉफ्ट हो जाओगे, थोड़ा सा फैट भी आएगा, मसल्स भी लूज हो जाएंगे, तो आपकी सोसाइटी आपको ताने मारती है, यार इसने इंजेक्शन लिए थे पहले तो वैसा था वैसा हो गया, तो बॉडी बिल्डर मतलब टेंशन में आ जाता है, यार मेरी तो बेइज्जती होने लगी, वो फिर साइकिल चालू कर देता है, एक ये भी तरीका है। तो कहने का मतलब मेरा ये है भाई, अगर आप लगातार कई साल तक साइकिलों पे रहोगे, गेनिंग कटिंग आप अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन नहीं बनने दोगे तो आपका ऑटोमेटिक सारा सिस्टम जो सेक्सुअल है वो डाउन हो जाएगा। अब रही बात नपुंसकता वाली शुक्राणु की होती है वो तो भाई बात मेन जो बात है, लेकिन जब हमारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, हमारा नीचे सारे सिस्टम वीर्य वगैरह नहीं बनेगा नेचुरल, जब सारी चीजें हमारी बननी ही बंद हो जाएगी तो शुक्राणु भी एक टाइम के बाद तो मर ही जाएगा, तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे भाई। बात है ये कि आप लगातार सालों साल साइकिल पे रहते हो तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक गलत खत्म हो जाती हैं। तो कई बॉडी बिल्डर ऐसे भी होते हैं भाई जिनको लगता है कि हमें इस रास्ते पे जाना, हो सकता है वो लॉन्ग टाइम सोच के माइंड बैठा के बैठे हों कि कटिंग गेनिंग ये करके आगे जाना। कुछ बॉडी बिल्डर ऐसा भी होते हैं जो स्टोरेड वाले इस जाल में घुसने से पहले अपने बच्चे जो है गृहस्थी लाइफ है, 1-2 बच्चा पैदा कर लेते हैं, उसके बाद इस लाइन में घुस जाते हैं। लेकिन इसका एक सेफ तरीका जो है वो ये है भाई, आपने मान लो एक गेम करी, एक गेम के बाद एक और कर लो, 2-3 गेम कर लो आप 1 महीने के अंदर, उसके बाद आप कम से कम, यार मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 3-4 महीने लगेंगे भाई आपको, 12-16 वीक लगेंगे दोबारा आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल जब दोबारा बनना स्टार्ट हो जाएगा ढंग से, ठीक है। और करीबन 6 महीने के बाद आपको थोड़ा सा फील होएगा अच्छे तरीके से कि मैं हाँ कुछ ना कुछ पहले जैसा हूँ। और 99% बात ऐसी है भाई कि जो आपकी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का लेवल था वो उस पॉइंट पे बहुत मुश्किल आएगा, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ तो लॉस करोगे, लेकिन आपको एक प्रॉपर साइकिल चलाने के बाद एक लंबा गैप मारना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कटिंग की साइकिल खत्म करी 1 महीने बाद गेनिंग के इंजेक्शन चालू कर दिए तो उसके बाद फिर आपके साथ गड़बड़ होगी, आपको इन चीजों का चस्का लग जाएगा, बॉडी 2-4 साल तो दिखेगी लेकिन रियलिटी में फिर आप नपुंसक ही हो जाओगे। तो यह एक सच्चाई है नपुंसकता वाली बात की भाई।
अगर आप सालों साल लगातार इंजेक्शनों पर पड़े रहोगे, बॉडी को डाले रहोगे, तो आप पक्का नपुंसक हो जाओगे, ये सच्चाई है। आपका वीर्य भी नहीं बढ़ेगा, आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन भी नहीं बढ़ेगा, आपका शुक्राणु भी मर जाएगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब पीछे जो आवाज उठी थी, तो आपने जितने भी भाई इस तरह का मान लो एग्जाम्पल सेट करके जो नॉलेज शेयर करते हैं, फिर वो सारे कहाँ भागते हैं? आपने देखा हुआ वो भस्म खाते हैं, स्वर्ण भस्म, शिलाजीत, गोक्षुरा, सब गंदा, वो हमारी आयुर्वेदिक चीजों की तरफ भागते हैं। तो आयुर्वेदिक चीजों में हमारे में शुरू से ही स्टार्टिंग से ही बहुत दम है, और जब ये स्टोराइड के इतने सारे नुकसान आपकी बॉडी में हो जाएंगे ना, तो भी आप लोगों को उसी चीज उन्हीं चीजों का सहारा लेके आगे जाना पड़ेगा, दोबारा अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर ठीक करना है, ठीक है, और ये सारी चीजें बंद करनी पड़ेगी। तो ये है एक बहुत बड़ा मतलब काला सच है नपुंसक होने का कि नहीं होने का। आप अगर सेफ तरीके से स्मार्ट माइंड से चलेंगे, कटिंग की साइकिल खत्म करी, पांच महीने का, चार पांच छह महीने का गैप लिया, डाइट को कंट्रोल में पकड़ कर रहे, तो बॉडी भी कहीं इतनी जल्दी इतनी सॉफ्ट नहीं होगी। लेकिन डाइट भी आपने खत्म कर दी, इंजेक्शन का असर भी खत्म हो गया, तो बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी, एब्स वेब्स ढक जाएंगे, ऊपर फैट की लेयर आ जाएगी और बॉडी ऐसे थुलथुली सी दिखने लग जाएगी। क्योंकि इतने महीने तक जब आपने एकदम क्लीन खाना खाया है, शार्प रहे हो, आपकी बॉडी एकदम वो रही है, मतलब फैट का आपने कोई खाना ऐसा खाया नहीं कि जिससे बॉडी फैट पकड़े, उसके बाद जब इंजेक्शन का असर भी हटा दिया, फिर खाना भी गंदा कर दिया, तो बॉडी उससे डबल फास्ट तरीके से बॉडी में फैट आएगा, और फिर लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, वो आपसे सहन नहीं होती, फिर आप दोबारा साइकिल ले लोगे। तो ये था मेन किस्सा भाई ये नपुंसकता वाला। अब हम बात करेंगे, मान लो किसी भाई ने पांच छह साल अपना नेचुरल गेम कर लिया, नेचुरल फिटनेस लाइन में, जिम लाइन में, बॉडी बिल्डिंग लाइन में नेचुरल कर लिया, अब उसका मन कर गया भाई मुझे जाना है साइकिल पर, मैं अब इसी में अपना करियर चुनूंगा, मैं बॉडी बिल्डर ही बनूंगा। तो भाई स्टार्टिंग में ही मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं कि इतने ml नहीं भाई, ये जितनी भी बोतल होती है इनमें से आधा आधा, जब आपकी लाइफ में जब फर्स्ट टाइम आप इंजेक्शन मान लो यूज भी कर रहे हो, तो आप आधा आधा ml से स्टार्टिंग करो मेरे भाई। एक महीना आप आधा ml पर लोगे ना, तो वही आपका डेढ़ ml, एक डेढ़ ml जितना असर करेगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी में जा रहा है। जिस प्रकार आप फर्स्ट टाइम वे प्रोटीन लेते हो ना, तो वे प्रोटीन भी आपको बहुत ज्यादा एकदम दिखता कि हाँ इस बंदे ने वे प्रोटीन लिया। प्री वर्कआउट जब आप पहली बार यूज करोगे, तो प्री वर्कआउट भी पूरा स्कूप ना लो, आधा स्कूप लो, आधे से भी थोड़ा कम लो, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी में जा रहा है, तो आपको एकदम अलग टाइप का रिएक्ट मारेगा और आपको ज्यादा असर देगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं हार्मफुल है या आपकी बॉडी को एकदम झटका देते हैं, जैसे प्री वर्कआउट भी एकदम आपकी बॉडी का बीट हाई कर देगी, आप पंप आ जाएगा बॉडी में, तो इतने जरूरी नहीं है। आपने एक स्कूप से स्टार्टिंग करनी है, आधे स्कूप से स्टार्टिंग करो, जिन्हें साइकिल चलानी है वो भी आधा ml से स्टार्ट करो, जिसने बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो सबसे बड़ा गेम सबको पता डाइट का, इंजेक्शन भी क्या कर लेंगे, मान लें इंजेक्शनों के साथ ना साथ आपने डोज बढ़ाकर गंदा खाना भी खा लिया, तो कुछ टाइम के लिए आपने जबरदस्ती अपनी बॉडी हार्डनेस पे हार्ड बना भी ली, तो उसके बाद आपकी बॉडी में गंदा आएगा ही आएगा भाई। तो पूरा खेल डाइट का, जितना क्लीन खाओगे उतना लंबा टिक पाओगे। और भाई जो भाई मान लो तो जाने अनजाने में एक आध साइकिल यूज भी कर ले, तो उसने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रही बात पीसीटी हमेशा करनी चाहिए, पीसीटी का मैं बता देता हूँ, नोलवाडेक्स, क्लोमिड और एचसीजी का इंजेक्शन होता है भाई। नोलवाडेक्स और क्लोमिड में ये एस्ट्रोजन को रोकने के लिए, और एक टेबलेट भाई तेरे आपकी ब्रेस्ट कैंसर के लिए होती है, जिससे आपको गायनो वगैरह की शिकायत ना हो, और ब्रेस्ट कैंसर में ये यूज करी जाती है। प्लस उकोका इंजेक्शन एक गर्भवती महिला को दिया जाता है भाई, जो जिसमें आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो वो एक बॉडी को शॉक्ड किया जाता है, एचसीजी का इंजेक्शन देखा है, तो वो बॉडी बिल्डिंग में यूज होता है कि आपके हार्मोन्स जो डिसबैलेंस हुए वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाए। पीसीटी आपकी 4 से 5 वीक की होती है, मेन 4 से 6 वीक कर लो, जितनी डोज ले उसी हिसाब से होता है कि आपका नेचुरल थोड़ा बनना स्टार्ट हो जाए, फिर प्रोडक्शन चालू हो जाता है। तो ये पीसीटी का तरीका है। मैंने अपनी लास्ट साइकिल जो 2-2.5 साल पहले भी खत्म करी है, मैंने उसमें पीसीटी नहीं करी जानबूझ के, तो मुझे नेचुरल अपना टेस्टोस्टेरोन पाने में 8 महीने लगे थे भाई, जो मैं मतलब प्रॉपर पूरा तैयार हो गया। हाँ मुझे महसूस हो गया मेरी बॉडी पूरी पीक पागी दोबारा, तो 8 महीने बाद ऑटोमेटिक बगैर पीसीटी के भी मेरी बॉडी पॉइंट पा गई थी। लेकिन अब पीसीटी कहते हैं ना मस्ट, जरूरी है, करनी चाहिए, और ये सारे काम भाई किसी अच्छे एक्सपीरियंस वाले बंदे के पास करना, जो खुद भी इन चीजों को सालों से यूज कर रहा हो, बहुत सारे लड़के तैयार करता हो, अगर किसी को करना है तो, अदरवाइज आप भाई लल्लू पंजू के चक्कर में मत फंसना। ये थोड़ी सी बाजू ऐसे करके जो घूमते हैं, घंटा भी नहीं है ये, सिर्फ गूगल से, यूट्यूब से, मेरे तेरे जैसे की वीडियो देख के आपको साइकिल चिपका देंगे, वो कोई नॉलेज नहीं है,
आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, बहुत सारी गांठ हो सकती है, परफॉर्मेंस हो सकती है, पीछे आपको मवाद हो सकता है भाई। तो इनको इंजेक्शन लगाने का तरीका किसी को नहीं मालूम, तो ये बहुत ही सेफ्टी से यूज करने की चीज है। तो आप जैसे शिलाजी तस्वीरा यूज कर रहे हो, इसी प्रकार मैं आपको दिखा देता हूँ सार्क न्यूट्रिशन की प्रो वसम आती है, जो मैं भी पिछले करीबन 30-40 दिन से यूज कर रहा हूँ और काफी अच्छे रिजल्ट है नेचुरल में। इसमें कई सारी वसमों को मिला के मिश्रण करके तैयार की गई है, तो नेचुरल कोई भाई है तो ये प्रो वसम यूज कर सकता है। साथ में अपना जिसका गेनिंग का है तो वे प्रोटीन ले ले, जिसे कटिंग करनी है तो आइसोलेट प्रोटीन ले ले, ये भी आपको सार्क न्यूट्रिशन का मिल जाएगा। सार्क न्यूट्रिशन की गूगल पे भी वेबसाइट है, प्लस सार्क न्यूट्रिशन का इंस्टाग्राम पेज है, जो आप मेरे करंट फिटनेस इंफॉर्मेशन इंस्टाग्राम पेज पर जाके भी मेरे उसमें भी मिल जाएगा सार्क न्यूट्रिशन का पेज। उनको डायरेक्ट डीएम करें, मेरे चैनल का नाम ले दे, आपको काफी अच्छा डिस्काउंट वह दे देंगे। जो दुकान वाले का मर्जन है वो भी आपका बच जाएगा, फ्री होम डिलीवरी मिल जाएगी। इनका एक मैंगो चिया सीड्स पीनट बटर आता है, वो तो बहुत ही जबरदस्त है भाई, बहुत ही जबरदस्त। अलग अलग फ्लेवर के और भी आते हैं, लेकिन मैंगो चिया सीड्स आपको किसी और ब्रांड का मिलेगा भी नहीं, और इनके ब्रांड जितना तगड़ा आपको किसी और का लगेगा भी नहीं। मैंगो चिया सीड जितने भी सप्लीमेंट मार्केट में शार्क न्यूट्रिशन वाले सारे के सारे सप्लीमेंट बनाते हैं, हर कंपनी का हर सप्लीमेंट अच्छा नहीं होता, तो आप यूज करें। प्रोटीन एकदम दमदार है, प्री वर्कआउट ले सकते हैं, इनका BCAA ले सकते हैं, प्रो भसम ले सकते हैं। तो सारे प्रोडक्ट मैंने जितने यूज करे कहीं ना कहीं अच्छे हैं, लेकिन कि ये नॉलेज वाली वीडियो आपके कहीं ना कहीं बहुत काम आएगी। अगली वीडियो मैं वे प्रोटीन पे बनाऊंगा, बहुत सारी इंडियन मार्केट में वे प्रोटीन के ऊपर जो जो बवाल चल रहा है, कैसे कंपनियां क्या करती है, कोई कोई सोया प्रोटीन मिक्स कर देता, प्रोटीन में बदबू मारती है, पूरा प्रोटीन नहीं मिलता, एक 1300-1500 रुपए केजी प्रोटीन कैसे दुनिया में बिक रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब 2000 रुपए का था एक रो प्रोटीन आता। तो ये सारा टॉपिक मैं कवर करूंगा अगली वीडियो में, जो नॉलेज वाली वीडियो होगी। तो आज का वीडियो यही था दोस्तों, वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।